तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल ड्राइव जो है आपको लगेगी ऑटोमेटिक में, क्योंकि जितने भी न्यू लर्नर मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर मैनुअल से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है, आप मैनुअल चला के ऑटोमेटिक चला सकते हो, ऑटोमेटिक चला के मैनुअल चलाने में आपको जो है बहुत दिक्कत होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों कार्स में क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस मतलब कौन सी कार के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी लें, ऑटोमेटिक लें या फिर मैनुअल लें, तो उसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, मतलब आपको जैसी ज़रूरत है या फिर जैसी आपकी ड्राइविंग है, जैसा आपके उधर रोड्स हैं या फिर कैसी कंडीशन है, तो उसके हिसाब से आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो। तो मैं इसमें दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल के फ़ायदे भी बताऊंगा और जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो भी बताऊंगा छोटे मोटे। तो होप करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे से चूज़ कर सकते हो अपनी गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहते हो, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरी गाड़ी जो है ये है मैनुअल और मैंने आज तक मैनुअल ही ज़्यादा चलाई है, तो मैनुअल का तो मुझे प्रॉपर सारा कुछ पता है। ऑटोमेटिक का भी मैंने जो है कुछ नॉलेज गेन करी इधर से, कुछ दोस्तों से पूछा जिनके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो ये वीडियो बनाते हैं उनसे, उनके एक्सपीरियंस पूछने के बाद में। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम बात करेंगे कि इजी टू ड्राइव कौन सी है, कौन सी गाड़ी में आप कंफर्टेबल ड्राइव कर सकते हो। तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल ड्राइव जो है आपको लगेगी ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक में क्या है, आपको टेंशन नहीं रहती है उसके क्लच की कहाँ से, और दूसरा गियर शिफ्ट करने की टेंशन नहीं रहती है, आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो उसमें, स्पेशली ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मैं फेस कर चुका हूँ, मेरा एक पैर दर्द कर जाता है मैनुअल में, तो इसलिए ऑटोमेटिक वहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप आराम से मतलब चला सकते हो, जैसे कि दिल्ली हुआ, NCR हुआ, इस तरह के बिग सिटीज़ में। और हाईवे की बात करें तो हाईवे पे दोनों कंफर्टेबल हैं, हाईवे पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने नहीं पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाने पड़ते हैं, जाम वगैरह कहीं मिलता है वो अलग बात है, बट अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही आपको कंफर्टेबल फील होगा दोनों में। मैनुअल में मुझे थोड़ा सा जो लगता है हाईवे पे, क्योंकि मैं ज़्यादा हाईवे पे चलाता हूँ, तो हाईवे पे आप ना मैनुअल में बहुत जल्दी से बोर नहीं होते हो, की बॉडी ना एक्टिव रहती है थोड़ा। वो एक्टिव रहने का जो रीज़न है, उसका रीज़न है कि आपका ना काम करता रहता है गियर शिफ्ट करने में या फिर क्लिच पे ध्यान रहता है थोड़ा, इन चीज़ों में आपका माइंड डाइवर्ट रहता है। ऑटोमेटिक में कई बार ये होता है कि हाईवे पे आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हो, क्योंकि आप चले जा रहे हो और ना गियर शिफ्ट करने की टेंशन ना कुछ टेंशन, टेंशन फ्री तो होते हैं, जितना टेंशन फ्री होता है उतना थोड़ा सा बंदा जो है सुस्त हो जाता है, कई बार नींद भी आने का चांसेस रहते हैं। तो इजी टू ड्राइव जो है वो ज़्यादा आपको ऑटोमेटिक में लगेगी। अब करते हैं सेकेंड चीज़ की बात, सेकेंड चीज़ मैं लूँगा कॉस्ट। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी पे जाते हो तो ऑब्वियसली आपको वो गाड़ी ना महंगी मिलेगी, और अगर आप जाते हो मैनुअल पे तो मैनुअल आपको जो है सस्ती मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप अपनी मतलब चॉइस रख सकते हो, अगर आपका बजट है ऑटोमेटिक तक जाने का तो आप ऑटोमेटिक पे जा सकते हो, और आपको चाहिए ऑटोमेटिक ही। एक्चुअली जो ऑटोमेटिक है बहुत कम्फर्टेबल रहती है जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं, न्यू लर्नर्स होते हैं उनके लिए, तो उनको जो है ज़्यादा टेंशन नहीं रहती क्लच और गियर शिफ्ट की। तो वहाँ पे अगर आप देखते हो उस पर्पज़ से तो आप ऑटोमेटिक पे जा सकते हो। अगर आपका बजट कम है, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कम बजट में चलेगी, तो आप मैनुअल पे भी जा सकते हो, वो डिपेंड करेगा सारा कुछ आपके बजट पे। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब ऑटोमेटिक में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आती है मैनुअल से,
मैनुअल में आप कई बार क्या है, थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़बाजी करके कुछ भी करके आप गाड़ी लेके जा सकते हो। ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम हो गई तो आपको वहाँ पे जो है खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो मैनुअल में खर्चा आपका कम आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है, और ऑटोमेटिक में आप जो है जुगाड़बाजी नहीं कर सकते कुछ भी, कहीं पे आप खड़े हो गए तो खड़े हो गए फिर। और अगर हम बात करें क्लिच प्लेट्स की, तो ऑलमोस्ट वो तो दोनों की कॉस्ट बराबर ही करती है, मैनुअल की भी और ऑटोमेटिक की भी, बट मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपको ऑटोमेटिक में ज़्यादा आएगी, मैनुअल में कम आएगी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में जो लिया है मैंने वो लिया है गियर ट्रांसमिशन। गियर ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक में एक ज़्यादा मिलेगा, उसमें डिफरेंट टाइप के आपको मोड्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, इको मोड हो गया। खैर इको मोड मेरी गाड़ी में भी है, बट स्पोर्ट मोड वगैरह ये सब उसमें मैनुअल में आपको नहीं मिलेंगे। गियर ट्रांसमिशन आपको जो मैनुअल में मिलेगा 5 और 6 मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट आपको जो है ऑटोमेटिक में वो 6-7 तक मिल जाता है। और अगर आप बहुत हायर लेवल पे जाते हो, बहुत हाई गाड़ी पे जाते हो, तो उसमें आपको 10 तक भी मिल जाता है। तो ये जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक में आपको पिकअप वगैरह ये थोड़ा आपको लगेगा कि अच्छा है, क्योंकि उसमें स्पोर्ट मोड आपको मिल रहा है। हाईवे पे आप कैसे रन करना चाह रहे हो, किस मोड पे आप चलाना चाह रहे हो, वहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो जाता है इसमें, क्योंकि मैनुअल काफ़ी लोग पसंद करते हैं मैनुअल, क्योंकि थोड़ा चीपर होती है उससे ऑटोमेटिक से, और फिर खर्चा भी कम आता है। तो काफ़ी लोग हैं जो मैनुअल को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं काफ़ी जो आपको ऑटोमेटिक पे जाते हुए दिखेंगे। तो ऑटोमेटिक और उसमें वैसे अगर हम बात करें डिमांड की, तो दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है, बट ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं मेरे हिसाब से जितने मैंने देखा है मैनुअल को, क्योंकि जितने भी न्यू लर्नर मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर मैनुअल से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है, आप मैनुअल चला के ऑटोमेटिक चला सकते हो, ऑटोमेटिक चला के मैनुअल चलाने में आपको जो है बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक आपको नुकसान लगता है कि आप अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो तो फिर मैनुअल पे आते हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा गाड़ी को समझने में, क्लच को समझने में, गियर शिफ्टिंग को समझने में, ये सब चीज़ों में आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, और आप अपनी प्रेफरेंस अपने नीड के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल में, जौन सी भी गाड़ी आपको बेस्ट लगती है, जौन सी भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग सूट करती है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।